आगे बढ़ते हैं, बात नीट को लेकर करते हैं, क्योंकि नीट पर सदनों में विपक्ष का हंगामा देखने के लिए लगातार मिल रहा है। सदन के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में जमकर हंगामा विपक्ष कर रहा है। लोकसभा की कार्यवाही 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई है, तो राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा में भी कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही। संसद सत्र के 5वें दिन शुक्रवार को नीट मुद्दे के चलते दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही हंगामे के चलते 1 जुलाई तक स्थगित कर दी गई। हालांकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कार्यवाही रुक रुक कर चलती रही और बाद में इसे भी 1 जुलाई तक स्थगित कर दिया गया। दरअसल विपक्ष नीट पर चर्चा की मांग को लेकर सघन प्रस्ताव लाया था। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के बीच स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, जबकि राज्यसभा में 22 सांसदों के नोटिस को सभापति ने खारिज कर दिया। 24 जून से शुरू हुआ संसद का ये सत्र 3 जुलाई तक चलेगा। राज्यसभा में पीएम मोदी 3 जुलाई को चर्चा का जवाब दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल 1 जुलाई तक स्थगित किया गया है राज्यसभा लोकसभा दोनों को। ओम बिरला की तरफ से, यानी कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस दौरान, सुनिए। राष्ट्रपति अभिभाषण पर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा विषय है कि आप दोनों, आप जितना आपकी पार्टी का समय आप पूरा भी ले सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप डिटेल में बोलना, लेकिन एडजस्टमेंट मोशन पर और अन्य विषयों पर पहले ही व्यवस्था दे चुके हैं। इसलिए मैं सदन से आग्रह करूंगा कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप संसदीय मर्यादाओं का पालन करेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा आपसे। देखिए, ओम बिरला को आप सुन रहे थे जो कि कहते हुए नजर आए कि आप संसदीय मर्यादा का पालन कीजिए। इस बीच ये पहले ही क्लियर हो गया था कि विपक्ष हंगामा करने वाला है, क्योंकि जब राहुल गांधी सदन के अंदर पहुंच रहे थे, जा रहे थे, तो उनकी तरफ से साफ कहा गया था कि विपक्ष यहां पर नीट के मुद्दे के ऊपर सबसे पहले चर्चा करना चाहता है। नीट का मुद्दा उठा रहे राहुल गांधी का माइक बंद किया गया, विपक्ष लामबंद है। उनकी तरफ से कहा गया कि संसद में माइक बंद करना ऊंची हरकत है। कांग्रेस स्पीकर बोले कि बटन उनके पास में नहीं है। तो देखिए, फिलहाल सदन हंगामेदार रहा, लेकिन बड़ी बात यह कि अगर इसी तरीके से ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो किस तरीके से आगे की कार्रवाई होती भी नजर आने वाली है, क्योंकि विपक्ष इस बार मजबूत है।